इस भक्ति में हमें करना क्या है? मैंने एक दिन आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि कलयुग के जीवों के लिए भगवान के नाम रूप लीला गुण का कीर्तन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा सरलता से, शीघ्रता से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। अब इस संकीर्तन के विषय में 2 विज्ञान है, थोड़ा बुद्धि लगाइए। वैसे एकदम सरल विषय है, एकदम सरल है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। इस संकीर्तन के विषय में 2 विज्ञान है। पहला विज्ञान कहता है कि भगवान का नाम और भगवान ये दोनों बराबर हैं, और बात भी ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बराबर शक्तियां हैं। कौन कौन सी? भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनके धाम और उनके जन्म। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में सब शक्तियां हैं और सब में सबका वास। भगवान में उनका नाम भी रहता है, रूप गुण लीला धाम जन्म सब रहते हैं। भगवान के नाम में भगवान रहते हैं, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन्म सब रहते हैं। यानी ये सब बराबर है और सब में सबका वास है। इनमें अगर कोई किसी को छोटा बड़ा मानता है तो वो नामापराध, जिसका कोई प्रायश्चित वेद शास्त्रों में नहीं बताया गया। अब दूसरा विज्ञान कहता है नाम के विषय में कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा। आप लोग कहेंगे दीदी आपने तो अभी अभी बताया कि भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन्म, यानी संत, ये सब बराबर हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है और इनमें छोटा बड़ा मानना नामापराध है। अब आप बता रही है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। हाँ बड़ा है, लेकिन सिद्धांत के दृष्टिकोण से नहीं, हमारे लाभ के दृष्टिकोण से। क्योंकि देखिए, भगवान तो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है। भगवान के लोक में ईश्वर प्राप्ति के पहले हम जा नहीं सकते। भगवान अवतार लेकर आते हैं तो हमें उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होता नहीं, क्योंकि तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी अधिकारी जीव ही अवतार काल में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। और परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उसका हमको अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा मन गंदा है, वो भगवान का अनुभव नहीं कर पाता। तो भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है और भगवान का नाम सदा प्राप्त है, जो भगवान के बराबर ही शक्ति रखता है। तो भगवान का नाम कहता है कि भगवान तुम्हें नहीं अपना रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं भगवान के बराबर शक्ति रखता हूं, मैं तुम्हें अपना हूं। क्योंकि भगवान का तो कानून है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल शुद्ध मन वाला ही मुझको प्राप्त कर सकता है। अब शुद्ध मन हो कैसे? भगवान कहते हैं कहीं से भी मन को शुद्ध करके आओ। भगवान का नाम कहता है मैं तुम्हारे मन को शुद्ध करूंगा, तुम घबराओ नहीं। इसीलिए भगवान के नाम की प्रशंसा इतनी बताई गई
कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहिं नाम गुन गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सबरी गीध सुसेवकन सुगति दी रघुनाथ हे किन नाम उधारे अमित फल वेद विदित गुणगात। भगवान ने कितने लोगों का उद्धार किया अवतार के समय में, दो चार का, और भगवान के नाम ने अनंत जीवों का कल्याण किया। राम एक तापस तियतारी एक नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम हमारे यहाँ 11,000 वर्ष रहे, 11,000 वर्ष हमारे भारत वर्ष की रोटी खाए। उद्धार कितने लोगों का किया, एक का। तुलसीदास जी भगवान राम के बड़े भक्त हैं, वो लिख रहे हैं राम एक तापस तियतारी, एक का कल्याण किया बस 11,000 वर्ष में। उसमें भी डाउट है, उद्धार हुआ भी या नहीं, क्यों डाउट क्यों है? क्योंकि तारी का मतलब होता है मोक्ष, मिल जाना। तो जिस समय भगवान राम के चरणों का स्पर्श मिला पत्थर बनी हुई अहिल्या जी को, तो अहिल्या जी जो सामने भगवान राम परम पति खड़े थे उनमें नहीं मिली, फिर अपने पति के लोग को मिली, ऐसा दिखा है। अब उनके पति गौतम ऋषि अगर वैकुंठ गए होंगे, अहिल्या जी का उद्धार हो गया, चलो मान लेते हैं, और अगर उनके पति स्वर्ग गए होंगे तो फिर दोनों को यही लौट कर आना पड़ा होगा। और चलो मान लेते हैं कि भगवान ने 11,000 वर्ष में एक का उद्धार किया और उनके नाम ने नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने तो ऐसे ऐसे दुष्टों का उद्धार कर दिया। वाल्मीकि जी सरी के पापी का जो राम भी नहीं बोल पाते। जब उनके गुरु नारद जी ने कहा कि बेटा तुमने इतने पाप किए हैं, करोड़ों हत्याएं की हैं, करोड़ों ब्राह्मणों को मारा है, सूखे कुएं भर गए हैं उनके जनेऊ से, हाँ तो महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। नहीं बेटा घबराओ नहीं, तुम राम राम बोलो, राम नाम में बहुत शक्ति है, हृदय से अगर राम बोलोगे, एक बार राम बोलने से तुम्हारे हजारों हजारों पाप धुलेंगे। बोलने के लिए बैठे लेकिन राम नहीं बोल पाए, इतने पाप किए थे वाल्मीकि जी ने कि उनके पाप उनसे राम नहीं बोलने दे रहे थे।